गाजी भाई किधर जा रहे हैं? लाल को अच्छा आंचल के पास आंचल डेयरी ठीक है। इधर से बैठना देगा मेरे को इस साइड अच्छा आएगा। उधर नहीं साले उधर थोड़ा बैठूंगा। तो फैमिली आज हम आंचल की फैक्ट्री में जा रहे हैं। तो हिमंत भाई कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड है भाई, कहीं तो ले जा रहे हैं कॉलेज वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा लग रहा है देखो? तो अबे ओए अमित व्लॉग्स के लिए हाई करो सर। एक ये कॉलेज जुड़ते रह गई। हाय बोल हाय हुक्कू हाय हुक्कू। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आंचल डेयरी इंडस्ट्री। कैसा लग रहा है भाई? उतरो 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 हेमंत भाई। रीच द डेस्टिनेशन। हेलो हेलो फटाफटा बस तो आगे बढ़ते हुए हम आंचल डेयरी की ओर। क्या होता है कि उसके बाद जब दूध आते हैं तो घर पे हम लोग क्या करते हैं, जब घर में दूध आते हैं फसल क्या करते हैं, हम लोग बॉइल करते हैं। लेकिन हम लोग उस दूध को यहाँ पर सबसे पहले लेके आगे ठंडा करते हैं, 4 डिग्री के आसपास हम उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम उसको मॉइस्चराइज प्लांट किए भेजते हैं। मॉइस्चराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको दूध को 75 से 78 के बीच में गर्म कर लेते हैं, फिर तुरंत सडनली 4 डिग्री पे ले आते हैं। सडनली 4 डिग्री पे ले आते हैं तो उसमें होने वाले बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को हार्मफुल है या जो दूध को हार्मफुल है वो किल हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो दूध सुरक्षित हो जाता है। घर पर हम जब 80 डिग्री से ऊपर हम बॉइल करते हैं तो उसमें जो एसना पार्ट है, एसना पार्ट में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हमको आवश्यकता है लेकिन वो किल हो जाते हैं 80 डिग्री से ऊपर, वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते। तो इसलिए दूध को जो है लगभग 80 डिग्री से नीचे ही रखकर उसको गर्म कर लेना चाहिए। और घर पर आप टेम्परेचर तो है नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए, जब क्रीम क्लियर आने लगे तो आप उसको बंद कर सकते हैं, तो आपका दूध सुरक्षित है और 80 डिग्री के आसपास आप पहुँच सकते हैं। Thank you.
सूरज कहाँ गया तेरे पी लिया जिंदगी भर उड़ा जब उड़ेगा तो उड़ा देंगे।